अब बात करते हैं हम केडिया नोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से, और आज मंगलवार है, गुड़ी पड़वा है, और आज सुशील का जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे सुशील, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही कृपा करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आप इसी तरीके से हमारे लिए इतनी शानदार कॉल्स लाते रहें और आपकी हेल्थ वेल्थ सब बरकरार रहे इस साल। बड़ी मिठास है आपकी इन शुभकामनाओं में, तो उसके लिए विशेष धन्यवाद। सुशील एक चीज मैं कहूँगा, पिछले साल यही हफ्ता था, आपको शायद याद हो या ना हो, आपने एक कॉल दी थी वोल्टास पर, वो भी आपका बर्थडे वीक था, जिसमें आपने कहा था ये एक का दो हो जाएगा। वो कई टाइम तक चला नहीं वो, लेकिन जब चलना शुरू हुआ तो वाकई में उसने शानदार मोमेंटम आया, और अब वो ऑलमोस्ट डबल हो गया उस लेवल से। पहले तो इस कॉल को रिविजिट करते हैं, यहाँ पर क्या करना है आप? अब यहाँ से मुनाफा खाना है और इसको वापस पिछले साल वाले भाव पे लेंगे 6 महीने बाद। ये देखिए, अगर PCR मेरे स्क्रीन पे उस चार्ट को दिखा पा रहा है, इसकी पूरी चाल कंप्लीट हो गई है, और लास्ट जो 2 दिन में इसका एक्सप्लोसिव मूव है, क्लाइमैक्स है। तो जब भी ये 3-4 दिन के बंद भाव के नीचे बंद आया, खाओ पियो भूल जाओ, वापस 700 रुपए मिलेंगे 6 महीने। ठीक है, एक और स्टॉक जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। आई थिंक हमने डिस्कस किया था ये स्टॉक करीब 2100 पर, अब इसमें अच्छे मोमेंटम है, यहाँ पर भी क्या प्रॉफिट बुक करना है? हाँ देखिए, 2100 पर हमने ज्यादा नहीं 3 दिन पहले बात की थी, 2 मंगलवार पहले न्यू हाई का हमारा अंदेशा था, आज वो अब आ चुका है, और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जैसे ये आपकी लेटेस्ट अप ट्रेंड लाइन टूटती है, आज का लो टूटता है, उसके बाद इसको लॉन्ग होल्ड करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। वापस गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 2100 में मिल जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं। ओके चलिए, अच्छा अब एक आपका कुछ रिटर्न गिफ्ट, बर्थडे पिक क्या रहेगी आज की सुशील? ये बर्थडे पिक एक भाव क्रिएट कर देता है, खास करके जब हम स्टॉप लॉस बेस्ड विचार से चलते हैं। तो मैं आपको 2 बर्थडे गिफ्ट देता हूँ, एक नहीं दो, एक देसी और एक परदेशी। हमारे आपके काफी NRI दर्शक हैं ग्लोबल, कई फंड मैनेजर्स भी मुझे कहते हैं, जब से हिंदी के चैनल में शिफ्ट हो गया उन्हें हिंदी में सुनना अच्छा लगता है। तो देखिए, बाटा की जो चार्ट है हमारे सामने, मैं इसको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में दिखाऊं, बाटा की ये चार्ट मुझे लगता है 1350 की 10-20 रुपए की मंदी अपनी जगह पर है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े में आपको सौदा बनाना पड़ेगा, कोई ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। ये मेरा अनुमान है कि यहाँ से बहुत ही तीखा अप ट्रेंड शुरू होगा, जब तक वो शुरू नहीं होता है बड़ी पोजीशन नहीं ले सकते। मे बी आप 1/3 ऑफ टोटल एक्सपोजर लीजिए, और ये वीकली चार्ट पे आप देखो, जिस दिन ये 1600 के ऊपर चल पड़ेगा तब मैं कहूंगा पोजीशन को 2 गुना या 3 गुना करो, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बाटा अगले साल मार्च अप्रैल तक 2025 में ये 2600-2700 का भाव हो जाए। बाटा की एडवर्टाइजमेंट्स को देखिए, कभी खोल के सोशल मीडिया पे भी आती है, और कभी उसके स्टोर पे जाइए, जिस लेवल की ब्रांड रिपोजिशनिंग इसकी चल रही है, और बहुत सारे पास्ट के जो कारण है, रिजल्ट्स और लेऑफ्स और आपके वन टाइम सेटलमेंट्स, VRS, तो वजह होती है तभी स्टॉक आज 20,000 की निफ्टी पे हमको बाटा उसी भाव पे मिल रहा है जब ये 12,000 की 13,000 की निफ्टी होती थी। तो मुझे बाटा एक बड़ा सेफ ट्रेड लगता है, और आपके ग्लोबल निवेशकों के लिए ऐसे बाटा डबल हो जाएगा। वैसे देखिए, टेस्ला की वीकली चार्ट है, मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूँ डेली व्यू में, मुझे लगता है यहाँ से टेस्ला भी डबल हो जाएगा, हालांकि इसको 1 साल नहीं लगेगा, बाटा को आराम आराम से बढ़ना है, और टेस्ला मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में डबल हो सकता है। तो ये मैं अगर किसी तरह से इन्हें बर्थडे पिक में आप क्वालिफाई करना चाहो तो ये मेरे 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कॉल्स हैं। कोर्स टेक्निकल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस रखने होते हैं, तो बाटा जो लोग सिर्फ इंडिया में निवेश करते हैं, और जो इंडियंस है वो NRI हो चाहे यहाँ से भी जो रिपैट्रिएट करके पैसे RBI की स्कीम में इन्वेस्ट $150,000 आप साल में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं कहूंगा टेस्ला और एप्पल भी आप ले सकते हो। एक चार्ट मुझे अनुज और दिखाने दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस की भाषा सारे संसार में चलती है। ये देखिए एप्पल की चार्ट, ये एप्पल मुझे कम से कम 50% उछलने की तैयारी में लगता है, और ये किसी भी टाइम चाल शुरू हो जाएगी, 168 वाला 240-50 हो जाएगा। तो टेस्ला, एप्पल और बाटा, ये 3 मेरे बिग पिक्स हैं। सुशील जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, पहले तो मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मन की शांति, धन और स्वास्थ्य सब आपको मिले।
एक स्पेस और जहां पे बाजार बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि बॉटम बन गया कि नहीं बन गया, और आप देखिए दो चीज तो उसमें से एक आईटी डिफेंसिस में और एक आपका आप एफएमसीजी, दो स्पेस ये और एक हो गया केमिकल बास्केट जिसमें बड़े एग्रेसिव शॉर्ट्स थे इस मंथ में, शॉर्ट्स आए भी। इन तीनों पर आपका व्यू और इसमें से बेस्ट प्लेस्ड क्या है अपस्विंग को खेलने के लिए जो रिवॉर्ड अच्छा दे रहा है इस वक्त? तो देखिए, त्वरित लाभ की आकांक्षा, अगले एक घंटे में ही मालामाल हो जाए, रातों रात अरबपति हो जाए, इस भावना से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाजार में आते हैं और पैसा देके चले जाते हैं। फिर जब मैच्योरिटी लौटती है तो चाहे आप वैल्यू पिक्स की, कोई लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग ग्रोथ में करते हैं, और एक टेक्निकल के सहारे से आप लीडर्स एंड लगाड्स को चुनते हैं। तो देखिए, वो जो बचपन में कहीं कोई मेले में गए होंगे तो जो झूला होता था ना, ऐसे गोल घूमता था, आपका आपका उद्देश्य उन सेक्टर्स को पकड़ना जो ऊंचाई पर चढ़ेंगे। तो आपको ऑब्वियसली खराब खबरों के बीच में नीचे उतरती चीज को लेना ऊपर चढ़ने के लिए, वही स्पेक्यूलेशन है। तो वीरू, आपने तीनों, वो ताश के तीन इक्के में कहूंगा इस वक्त। अभी देखिए, मेटल्स में जो तूफान मचा हुआ है, बैंक्स में तूफान मचा हुआ है, लार्ज कैप फार्मा थक गया, तो वहां से मुझे लगता है पैसा निकलेगा। और आपने लाइन्स जो क्रमशः तीनों सेक्टर बताए, लार्ज कैप आईटीज, केमिकल्स और एफएमसीजी, ये बिल्कुल मुझे डिफेंसिव प्ले लगते हैं। अगर निफ्टी में कोई 1,200 पॉइंट का करेक्शन आ गया, जिसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता, अब हम 23,000 के आसपास हैं, तो ये सेक्टर्स में बहुत कम मार पड़ेगी। और अगर मार्केट इसी तरह चलता चला गया तो इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। तो हमारी सारी लॉन्ग्स अभी इन्हीं तीन सेक्टर्स में फोकस्ड है कि नई लॉन्ग्स हम उधर ही बना रहे हैं। इसमें साथ में आप एक मीडिया एंटरटेनमेंट को भी जोड़ दीजिए। तो ये चार जो अंडर परफॉर्मर्स थे, वो गाना है ना, सबका टाइम आएगा, तब इन चारों का टाइम आएगा। तो ये इन चारों का टाइम आएगा। अच्छा, कुछ इसी अगर आप प्रकार के कुछ स्टॉक्स को देखिए जहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग थी, जिन्होंने पूरे पिछले 6 महीने में बाजार के अपस्विंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, था पीवीआर, आप जुबिलेंट फूड, इन दोनों पर आपका टेक, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक, इन दोनों पर पूछूंगा आपसे राय में। देखिए, पीवीआर में अपनी पहले भी बात हो चुकी है कि पीवीआर मुझे यहाँ से 2200-2300 तक की चाल लगता है शुरू हो चुकी है, ऐसा लगता है उसको टुकड़े टुकड़े में सौदा बनाना पड़ेगा। वापस से आज पीवीआर को रीएम्फसाइज करते हैं, एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, और अब जिस दिन ये 1430-40 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, एक टेम्पररी रेजिस्टेंस 1460-70 का देगा, थोड़ा सा वापस वहां से पुल बैक आएगा, रोज के ट्रेडिंग गेम्स अपनी जगह पे, पर एक सेक्यूलर रन पीवीआर में शुरू हो चुका है। और ये पिछले हाई को 1880 को क्रॉस करके 2100-2200 की तरफ चले। और जुबिलेंट तो आपका मेरा दोनों का ही फेवरेट सा स्टॉक रहा है वीरू, और इसे हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। तो इस सेक्युलर डाउन ट्रेंड के बाद देखिए एक अपपिक इसमें शुरू हो गई है, लेटेस्ट लेग ऑफ डाउन ट्रेंड डिफाइड है, ऊपर आने के बाद अभी साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है, हमें टेबल थंपिंग बाई कॉल कि बस ले लो, सोचो मत, ये भावना के साथ सौदा करेंगे, ये 470 के ऊपर चल पड़ेगा। अगला पड़ाव 580 शिष्टाचार हेतु ही हम कहेंगे, और वो 580 भी क्रॉस कर गया तो 720 भी जा सकता है, मतलब यहाँ मार खाने की जगह नहीं है, मिलेगा तो पैसा ही मिलेगा, मार नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा, आप इंडेक्स पर बात नहीं हुई, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है सुशील? ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बेचने वालों को हर लेवल से थका दिया, फिर भी अब ये हमारा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, इन पे हम रेंजेस को कॉल फॉर करें। देखिए, निफ्टी की चार्ट के ऊपर मैं वापस से इन लकीरों को ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप आयर सारे टॉप्स को अगर कनेक्ट कर देते हो, बहुत सिंपल सी चार्ट है, तो हम करीब करीब वहां आ गए हैं, 23,000-23,050 का एक अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। ये नीचे कहां तक जाएगा? देखिए, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस आया था 22,600 का, 21,800 के नीचे नहीं गया बाजार, ठीक है, उस टाइम बी ग्रुप के स्टॉक्स में लोग पिट गए थे ज्यादा, कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे कि ऊपर की लाल रेखा तोड़े बिना निफ्टी एक बार वापस आ जाए 22,000 तक, और फिर वापस चुनाव के नतीजे के बाद यहां तक आके उसके बाद, अभी तक का ये हमारा अनुमान है। देखिए, ऑल फोरकास्टिंग इज इन इमेजिनेशन फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग द पास्ट यू मेक योर इमेजिनेशन मॉडेस्ट। तो ये मेरी कल्पना है कि ये बाजार के आगे की ट्रेजेक्ट्री है, मेरी कल्पना को मुझे बदलना पड़ेगा अगर ऊपर की लकीर टूट जाती है, नीचे की लकीर टूट जाती है। तो ये अभी प्रोजेक्टेड पाथ निफ्टी का मैं देख रहा हूँ जून महीने तक, चुनाव में जो भी अच्छे परिणाम आएंगे और उसके बाद इस बाजार को जाना है। अमेरिका के भी बाजार देखिए उसी तरह से पोजिशन है, तो सारी चीजें आपस में जुड़ेंगी। एक बार वहां यूएस इंटरेस्ट रेट्स बहुत बुरी तरह से गिरेगी तो स्पाइक आ सकता है,
स्पाइक के बाद भी लगातार कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट्स गिरती चली जाए। मुझे बीच में इस चार्ट को दिखाने की अनुमति दीजिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आप लिक्विडिटी की चार्ट को, पैसे की चार्ट को नहीं मिस कर सकते। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए सिर्फ एक रैली बना रहा है, और ये रैली अब किसी भी टाइम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। कम से कम मैं 3.25 तक की चाल को एंटिसिपेट करता हूँ मई के महीने तक। जो टेस्ला और एप्पल जैसे स्टॉक जो फट जाएंगे आसमान में, या हमारे यहाँ पे नजारा और हैप्पीएस्ट माइंड्स और टानला सॉल्यूशंस जैसे स्टॉक्स हमें मल्टीबैगर लगते हैं, तो क्या पता ये फॉलिंग डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट जस्टिफाई करे। शायद समय का मैं किसी और दिन में दिखाऊंगा। पास्ट में भी इस तरह से एक तरफा इंटरेस्ट रेट्स का स्लाइड आया है। एक बार तो मार्केट यूफोरिक होता है और उस यूफोरिक फ्रेंजी में फाइनल टॉप बनता है। तो हो सकता है 22,000 जाके वापस 23,500 आए, तब तक यूफोरिक फ्रेंजी बी ग्रुप के स्टॉक्स में हो लेगी। और अगर कोई कारण से ये यूएस 10 ईयर रेट 3.25 के भी नीचे चला गया तो दुखद समाचार नहीं होगा, फिर पैंडेमोनियम मच जाएगा। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच। चलिए